पार्टी का गठबंधन के बाद फैक्ट्रियां बंद करवाई इनके करना गन्ना फैक्ट्री गन्ना मिल पांच प्रकार की ऑयल मिल ये सब बंद करवाए उसने लोगों को बेरोजगार कर दिया। गुना लेके गए थे यहाँ से फैक्ट्री का गन्ना पूरा सीओ का फिर गुना लेके खुद का व्यवसाय बढ़ाया खुद की फैक्ट्री बढ़ाई ये आप लोग स्वयं भोगे हुए हैं। इसलिए अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता और अब फिर से जब उगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है प्रत्यक्ष प्रमाण है तो आजीवन ही नहीं आएगा और अब जब समापन होगा तो फिर कभी उग नहीं पाएगा। बोलो भारत माता की। स्थानीय मुद्दे उठा के यहाँ जो आपने कहा कि किसानों का ये जो गन्ना फैक्ट्री बंद की है यानी पूरे स्थानीय मुद्दे भी यहाँ रहेंगे। हाँ बिल्कुल भाई हमारा काम है मैं जिस चुनाव को लड़ रही हूँ वो कोई छोटी मोटी लड़ाई है क्या जी ये विकास का मुद्दा है। दिग्विजय सिंह उनके किए गए कुकर्मों को प्रत्यक्ष करने का मुद्दा है। हमारा मकसद नहीं होना चाहिए इनको जीता रहे इस मकसद के साथ आज से हमें गांव का लोग जा रहा है हर किसी को कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का वोट दोस्तों हमें एक ऐसी लड़ाई लड़नी जिस लड़ाई के लिए भगवान जी भी मैदान में उतरे थे जिस लड़ाई को मजबूत करने के लिए वो भी मैदान में आए थे। दुनिया चाहे उन पर जो बोले लेकिन जिन्होंने कहा है जिन्होंने सोचा है जिनके हित में वो काम आए जिनके लिए वो लड़ाई लड़े वो हर कोई जानता है कि पिछले गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ददवा जी उनके लिए भगवान थे। और आज से बहुत साल पहले जब मैं कानपुर में आया था तो उनके बारे में मैं बात सुन के गया था। उस बार जब हम आए तो कई लोगों ने हमें उनके बारे में उनकी जीवन शैली के बारे में उनके संघर्ष के बारे में हमें बताया। हम यहाँ से जब गए गुजरात तो हमने घर में के साथ कहा था कि एक बंदा था जहाँ पर वो नौजवान किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ता था और आज यहाँ पर आया मैं खुल के कहूंगा मैं उस व्यक्ति के प्रचार में गया था जिस व्यक्ति ने संविधान को बचाने के लिए गरीब मुर्गों और बिछड़ों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मैं आप लोगों से संकल्प लेने के लिए आया हूँ कि इनको जीता के लोकसभा भेजना है और ये आप लोगों के लिए काम करेंगे ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों को।